ये हमारे छोटे भाई मोहित जसवाल बहुत ही अच्छे स्पाइकिंग करते हैं और इनका छोटा और निक नेम हमारे सोल्डा का फेमस और पूरे सोल्डा का प्यारा नेम है मिस्टर चूही। और इनकी फिटनेस देखिए, पूरी बॉडी इन्होंने बॉन्ड के चाली 7 पॉइंट पे और सोलह भी 5 पे, मतलब 2 अंकों का फर्क है। ये जाली के प्लेयर जो हैं बहुत ही अच्छी गेम दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे छोटे भाई जो हैं उनको मान नहीं रहे। ये इनको दिखाना चाहते हैं कि हम छोटे ही बहुत हैं, इसीलिए तो हम छोटे ही रह गए। ज्वाली 8 पे, सोलदा 5 पे। और देखिए हमारे छोटे भाई किस तरह की गेम दिखाते हैं। ये जो छोटे दिख रहे हैं, ज्वाली वाली टीम को बताना चाहूंगा, ये जो छोटे हैं ये बॉस बॉस वही हिसाब है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सोलदा 6, जाली वी टीम जो है बहुत मेहनत कर रही है, वो जाली वालों को मात देने में कामयाब होते हैं या नहीं वो सब अभी देखना बाकी है, लेकिन मेहनत जारी है। और ये छोटे से लड़के का चेक देखिए कैसे लग रहा है, ये छुटकू सा प्लेयर है। जाली वाले सोच रहे होंगे कि ये प्लेयर कुछ भी नहीं है। दोनों टीमें 8-8 बराबर हो चुकी हैं। अब देखते हैं कौन सी टीम पहले लीड पकड़ती है। और ये प्लेयर ने नेट पकड़ लिया, अब ये नहीं पता कि प्लेयर को गुस्से में आया था या किस वजह से, वो उनका ओपिनियन हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये शॉट मारा है छोटे से लड़का राणा, ये वो राणा जी हैं जो आपने मूवी में सुना है मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, ये वो राणा है। चप्पल पहन के आए हैं, निकर पहनी है, बैग पे हाथ रख रहे हैं, कभी आगे रख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा इनको कि गेम कैसे खेली जाए। भाई कैसे ज्वाली 11, सोलह 8। और मुझे लग रहा है राणा जी, मुझे लग रहा है वो मूवी वाली फीलिंग ले रहे हैं, जिस हिसाब से गेम खेल रहे हैं उसी हिसाब से वो ये वो वाली फीलिंग ले रहे हैं मुझे लग रहा है। और ये मोहित कुमार का पंच चला ही नहीं। और एक हमारे छुटकू भाई ये हमारे पास खड़े हैं, अतुल जी, ये भी बहुत अच्छा खेलते हैं, अभी हम सब्स्टिट्यूट के तौर पे थोड़ी देर के बाद इनको ग्राउंड में उतारेंगे, थोड़ी देर के बाद सब्स्टिट्यूट के तौर पे अतुल कुमार जी को हम ग्राउंड में उतारेंगे, उनकी गेम का प्रदर्शन भी आप देखोगे कि वो कैसा खेलते हैं और कैसे वो लीड करते हैं हर चीज को। ज्वाली 16, सोलह 8।
वो क्या स्कीम ला दो। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे प्लेयर्स ने ही बोल दिया है कि रहने दिया जाए, हम इस मिट्टी में भी खेल सकते हैं क्योंकि हम मिट्टी के ही तो बने हैं। करवाया जाता है एमएलए श्री भवानी सिंह पठानिया जी के द्वारा। करवाया जा रहा है, ये तो अपनी टीम नहीं जुटा पा, इसीलिए ज्वाली और ये एक साथ खेल रहे हैं। सोलह 12 पॉइंट पे पहुंचा है और ज्वाली 19 पे, मात्र 7 अंकों का फर्क है। सोलह वाले अगर मेहनत करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी ये स्कोर चेज कर सकते हैं, पर मुझे लग रहा है ये मेहनत लग पड़े हैं करने। ये देखिए गेम दिखा रहे हैं लेकिन सोलह वाले इनकी गेम समझ नहीं रहे कि वो आपके साथ क्या करना चाहते हैं। वो अगर मिट्टी को उड़ने से भी दुखी नहीं है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो मिट्टी से कितने जुड़े हो सकते हैं। ज्वाली 22 पे पहुंच गई है और सोलह 13 पे, 9 पॉइंट का फर्क है, लेकिन धना धन पॉइंट ले रहे हैं ज्वाली वाले। सोलह वाले मुस्कुराते हुए वापिस आ रहे हैं कि हमने पॉइंट गवा दिया है, उनको कोई फिक्र ही नहीं हो रही है कि आपके पॉइंट जा रहे हैं, आप गेम से पिछड़ रहे हैं, वो चीज पे भी थोड़ा फोकस करें। अभी इनका सेट पॉइंट आ गया है ज्वाली का और सोलह वाले 14 पे, अभी शायद अगले मैच में और ज्वाली वाला ने पहला सेट जीत लिया है, उनके लिए कृपया ताड़ियां हो जाए। ये देखिए ये कोई छोबू लग रहा है मुझे, 6 नंबर लिखा हुआ है, छोबू नाम से है शायद। और ये हमारे जो बोस्टर हैं छुटकू राम जी, ये कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ लग रहा है कि मेहनत करेंगे, लेकिन मेहनत की
और ये चालाकी इन्होंने पता नहीं कहाँ से सीखी है, ये बहुत ही चालाकी से ये फॉल्ट ले जाते हैं। जितना मर्जी जितना बड़ा प्लेयर होगा ये उसके आगे से फॉल्ट ऐसे चालाकी से लेके जाते हैं। ये हमारे छोटूराम बिस्टर जी, ये मोहित जसवाल जी जो हैं टीम के कोच, वो इस समझाने में सक्षम है या नहीं मुझे लग नहीं रहा, कुछ असमंजस से फंसी हुई है इनको, या तो टीम नहीं चल रही है इनकी। पर मुझे लगा था इन्होंने सब्स्टिट्यूट प्लेयर डालना था पर इन्होंने डाला नहीं अभी। ये देखिए ये भाई साहब कितने फुर्तीले निकले, आप इनकी साइज देख के बोल रहे होंगे कि ये क्या करेंगे, और ये मुझे लग रहा है सामने वाली टीम वही मात खा रही है। इनकी फुर्ती देखिए, पलक चमकते ही आपसे पॉइंट छीन लिया उन्होंने। ये मोहित जसवाल जी भी पॉइंट गवाने में सक्षम है कुछ बहुत ही ज्यादा, पर चार बराबर है दोनों टीम। एक हमारे भाई ने भी दर्शन दिए, ये छोटे भाई हैं हमारे श्री मान सिंह चाचा जी के लड़के हैं ये दीपक जसवाल, इन्होंने भी दर्शन दिए हैं, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं कि ये भी हमारे इस टूर्नामेंट के सहयोगी बन रहे हैं। सोलह जाली नौ पे पहुंच गई है और सोलह सात पे, ये देखिए कला, देखिए प्लेयर की कला, ये अपनी कला कृतियां दिखा रहे हैं आपको। आप मुझे लग रहा है आप इनको देख के ही नर्वस हो रहे हैं, मैं आपकी तरफ से इनको बोलूंगा कि इनको थोड़ा अच्छे से खिलाया जाए। सोलह आज पे जाली ग्यारह में मुझे लग रहा है ये जो इनके कोच मोहित जसवाल जी हैं इनको सामने वाले प्लेयर ने इनको पकड़ लिया है कि ये पॉइंट यहाँ पे देते ही हैं।
जली 14 16 9 पावर बैंक का बिल लेना रखना भाई यहां पे लाइट लगा दे इस चीज के लिए बचा दे मोबाइल नहीं मित्र का रात के 70 रुपए चाबी एनजीबीपी ये देखिए प्लेयर ने किस हिसाब से शॉट मारा है जिस प्रकार आप देख सकते हैं जुआड़ी वर्सेस सोल दबी काफी रोमांचक मैच दूसरी टीम का पलड़ा भारी है अयप्पर जली 17 16 9 5 पॉइंट से पीछे चल रही है सोलदा टीम जोर लांदे हुए दोनों साइड के खिलाड़ी दिखने उनके थोड़ा मारता और बस यहां सही डाल माने वाले हैं ये देख गर्जाई मैं ही तो अपना कुछ आया कबीर का इशू सोगी बैठे मन्ना दे नहीं बकवास डेली गेम रिलेटेड कोई गल नहीं गल कट दे पे कोई जानकारी नहीं प्लेयर ने मुझे लग रहा है सोंदा वाले अपना स्कोर भी नहीं पूछ रहे हमसे तो कने को ये पता नहीं क्या गेम खेल रहे हैं कहां इनका ध्यान है कहां नहीं है ये खेले जा रहे हैं लेकिन इनका ध्यान जरा भी नहीं लग रहा है तो हमसे दूसरे सेकंड सेट का कर तक नहीं पूछा कने नहीं माइक का चाचा थे ना तू देते ना इसे बोला कि चुप कर गया रहा सोलह 11 पे चल रही है जाली 19 पे अगला अगर कोई एंट्री वाली टीम है तो वो आ सकती है बट जल्दी बता दिया जाए जिससे कि हम अगले मैच की तैयारी कर दें क्योंकि सामने वाली टीम जो है वो हवा में ही गोले उड़ा रही है फिलहाल बोल लेने वाला तुम्हारा खच्ची चुप बैठे हो टीम है वो कृपया आए और हमें बताएं नहीं तो उसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट कर दिया जाएगा गेल 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 फेल तो जो आए और हमें बताएं कि हम रेडी हैं और हमारा मैच करवाया जाए कॉमन पॉइंट है ले भाई उन ले ले कमाल की गल है 24 गेम पॉइंट 12 आउट आउट
शाहपुर दो परमार चार ये परमार प्लेयर ने बहुत बाहर को निकाल दी। ये चाहते हैं कि आज हम ये ट्रॉफी लेके जाए। दोनों टीमें पांच पांच बराबर हो चुकी हैं। अब देखते हैं कौन सी टीम पहले अंक प्राप्त करती है। ये शाहपुर के प्लेयर बॉल पकड़ने की हिमाकत कर रहे थे लेकिन पकड़ी नहीं थी। सात और पांच का मुकाबला चल रहा है। भरमार सात पे है, शाहपुर पांच पे, लेकिन अब शाहपुर ने एक पॉइंट ले लिया है। वो अभी छह पे पहुंच गए हैं, भरमार वाले सात पे चल रहे हैं। और ये देखिए कलाकारी बोलते हैं इस चीज को, कैसे पॉइंट चुरा लिया। और बोलते तो कलाकारी हैं पर मेरे सहयोगी बोल रहे हैं कि ये शाहपुर सात भरमार नौ और भरमार दस शाहपुर सात। चीते की तरह बॉल लपकने की कोशिश थी लेकिन बॉल तो वैसे गई जैसे भौंक गया हो। ये देखो कितने उम्दा फुर्तीले प्लेयर हैं ये भरमार के। भरमार वाले प्लेयर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भरमार 12 शाहपुर 7। इसी के साथ ये सर्विस आ गई, ये बॉल स्टैंड कर दी, बॉल स्मैश भी मार दी इन्होंने। अभी शाहपुर 8 पे पहुंच गई है और भरमार 12 पे। जड़ में वही है वहां करी चला रहा
बार बार शफूर 10 बरमार 13 और ये मछली की तरह नेट में फंस गया कोई खिलाड़ी। भरमार शापुर 11 भरमार 14 देखिए प्लेयर एक दूसरे को कैसे बोल रहे हैं कि तुम्हारी बॉल है तुम्हारी बॉल है। परमार 14 परमार को 14 में जाके जैसे दीमक खा गया हो वो कुछ कर ही नहीं रहे। अभी मेहनत की है थोड़ी ये शायद सभी ने देखा होगा कि ये जो है भरमार टीम से दाढ़ी वाले बोलू बोलू से शायद नाम रघु है इनका कितनी मेहनत से फुर्ती से इन्होंने बॉल उठाई थी। भरमार 16 शाहपुर 13 शाहपुर 14 भरमार बोल यार बोल इधर क्या ना भाई क्यों नहीं आई हुआ चौदह 16 शाहपुर 14 जहाँ बोल रहा है शपुर 15 16 तगड़े बोल बंद
अरे पकड़ बोला वो चली जाओ अगली बोल परमार शाहपुर शाहपुर 17 परमार 20 आइए जी मुंडे खुश भाई कौन है भरमार सेट पॉइंट शाहपुर 18 शाहपुर 3 भरमार 1 से 3-1 का मुकाबला चला हुआ है।
चार शाहपुर सर शाहपुर ने एक पॉइंट और अर्जित कर लिया है। वो एक एक अंक करके बढ़त बना रहे हैं और सेकंड सेट को अपने नाम करेंगे। परमार एक एक करके शाहपुर के पास पहुंचती है। 7 परमार, 9 शाहपुर। देखिए शाहपुर का प्लेयर फिर से पॉइंट अपनी झोली में ले गया और शाहपुर 13 पॉइंट हो गए हैं शाहपुर के। भरमार के भरमार 10 पे है। ये रेफरी साहिबान जो हैं, जो भी डिसीजन है वो इशारा करके अच्छे से दे। यहाँ स्कोरर बोल रहे हैं कि रेफरी साहिबान का इशारा मुझे गंदा लग रहा है, कुछ गंदे इशारे कर रहे हैं वहां से। मुंह में सीटी डाल के खड़े नहीं रहना है, डिसीजन भी देना है। गंदल जी बोल रहे हैं कि मिट्टी बहुत है, साइड में कुर्सियां लगाते हैं, हम काले हो जाएंगे। अरे मेरे दोस्त, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। शाहपुर 15 परमार 11, 4 अंकों का मात्र फर्क है। शाहपुर 16 और 11। ये हमारी
क्लब का सदस्य दीपक, ये जरा टेबल के पास आए और रिपोर्ट करें। भरमार 12 शाहपुर 16, 12-16 का मुकाबला है, 4 की बढ़त है। अब देखते हैं कि क्या करते हैं ये। और भरमार ने एक और पॉइंट खो दिया और वो पॉइंट शाहपुर को मिलता है। शाहपुर 17 पॉइंट, भरमार 12 पॉइंट। भरमार 13, शाहपुर 17। ये हम अपने छोटे भाई मोहित जसवाल, जो सोलदा भी टीम का कोच, उनका एक बच्चे के प्रति बहुत वो भावुक हो गए कि उस बच्चे को कुछ ना कुछ राशि दी जाए। वो इस टूर्नामेंट में बहुत मेहनत करता है, तो हम मोहित जी का धन्यवाद करते हैं, इनके लिए तालियां हो जाए। शाहपुर 20 पॉइंट पे पहुंच चुकी है। अब ये मुझे लग रहा है सेकंड सेट अपने कदम करके ही मानेंगे और दूसरी टीम 14 भेज रही है। ये देखिए, रेड जर्सी में है, टी शर्ट में है, शहीद स्कल बना हुआ है इनकी चेस्ट पे। इन्होंने कितनी चालाकी की थी पॉइंट के लिए। चलो कोशिश नाकाम रही, लेकिन ये ऐसी चालाकियां बहुत चलती हैं और बहुत फायदेमंद होती हैं। परमार 15 पॉइंट पे, शाहपुर 20 पे, अब शाहपुर 21 पे है, परमार 15 पे। ये जो ब्लेंडर है, ये बॉल का ध्यान रखे। भरमार 16, भरमार 17, शाहपुर 21।
परमार कितने पे? परमार 20 पे है। क्या? हाँ लगे जानी मैच लगे। ये 11 नंबर जर्सी भी बहुत अच्छी बॉल मार रहे हैं। शाहपुर सेट पॉइंट। खामियाजा खत्म कर दिया और शाहपुर परमार दोनों एक सेट पे हैं।